लोगों को पता चल ही गया है कि हम लोग हैं किसी वाटर पार्क में और वो है चंदरपुर में, और ये है चंद्रहासिनी देवी के मंदिर जाने का रास्ता। और उससे पहले हम लोग सारे लोग यहाँ पर होटल में नाश्ता खाना पीना जिसको जो खाना है वो खा पी ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे वाटर पार्क। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरे हस्बैंड के मामा के घर की पूरे फैमिली हैं, और अभी दो दिन पहले वहाँ शादी हुआ था तो वो लोग हम लोगों को पूरी फैमिली को वाटर पार्क घुमाने लेके आए हैं। तो मैं मिला देती हूँ, ये बड़ी दीदी थी उनके दोनों बच्चे और ये है दूल्हा राजा जो हम लोगों को पूरे फैमिली को वाटर पार्क घुमाने लेके जा रहे हैं। अब ये है नई दुल्हन, हेलो। तो सभी से मिला देती हूँ, ये है खुशबू दीदी जो कि मुझे स्पेशली ब्लॉग बनाने के लिए आज बोली है, और सारे मेरे हस्बैंड के फैमिली से हैं, मौसी जी है और छोटी मामी आई है, बड़ी मंजली मामी आई है, सारे लोग आए हैं, लगभग सारे बच्चे आए हैं पूरे, और टोटल हम लोग 30 से 32 लोग हैं पूरे फैमिली, और ये छोटी मामी। और हम लोग सब पहले यहाँ पर कुछ खा पी ले रहे हैं क्योंकि वाटर पार्क में एक तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टिकट ले रहे हैं और ऊपर से वहाँ खाना खाएंगे तो बहुत ज़्यादा बिल बन जाएगा, इसलिए सब लोग बाहर से ही खा के जा रहे हैं। और ये देखो बच्चे लोगों का मस्ती, ऐसा नहीं है कि वाटर पार्क में कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ आप लोग जाएं तो वहाँ भी बहुत कुछ मिलता है खाने पीने के लिए, आप वहाँ भी खा सकते हैं। अब हम लोग निकल पड़े हैं वाटर पार्क लिए, और ये है महानदी, और मेरा पिछला ब्लॉग जाकर आप देख सकते हैं जिसमें चंद्रपुर के मंदिर का पूरा दर्शन और ये नाथलदाई का भी मैंने उसमें दर्शन कराया है। मेरा पिछला ब्लॉग है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जाकर चंद्रपुर का दर्शन कर सकते हैं। और अभी तो हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क के लिए, और यही पास में ही है वाटर पार्क जो कि हम लोग अब चल रहे हैं। हम लोग की गाड़ी में हम लोग बैठे हैं, मेरी बड़ी ननंद जो कि मंजू दीदी और उनका बेटा, मैं हूँ टोशु है, और मेरी छोटी ननंद है चंचला और उनकी बेटी, और वो है गुड़िया, गुड़िया भी साथ में आ गई है हम लोग के साथ वाटर पार्क घूमने के लिए, और ये है हर्ष और ये राजू भैया है और मेरे हस्बैंड जी। तो हम लोग सारे कोई मिलके जा रहे हैं वाटर पार्क, हम लोग एक गाड़ी में है, बाकी दो तीन गाड़ी और है जो कि सब लोग आएंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जगदम्बा फन वर्ल्ड में जो कि है चंद्रपुर रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, और हम लोग सब आ गए हैं और बाकी लोगों का वेट करते हैं, बाकी लगभग सारे लोग भी आ ही रहे हैं। देखो नई दुल्हन और सारे बच्चे हेलो कर रहे हैं, सभी से मिल लो, और ये है मेरे हस्बैंड के मामा के पूरे फैमिली, मतलब मेरे हस्बैंड के। और ये देखो टिकट है एडल्ट लोगों का 490 रुपये और बच्चों का 400 रुपये। सो अब हम लोग ड्रेस चेंज करके आ ही गए हैं, यहाँ ड्रेस मिलता ज़रूर है पर हम लोग कोई नहीं लिए हैं ड्रेस, हम लोग सब अपना अपना ड्रेस लेके आए थे। तो अब हम लोग आ ही गए हैं फन वर्ल्ड जगदम्बा फन वर्ल्ड में, और ये हम लोग पूरे मस्ती कर रहे हैं, और आप देखो और एंजॉय करो और लाइक कमेंट ज़रूर करना, मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये थोड़ा मस्ती डांस वांस, और हम सब बच्चे बनकर हैं और घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और फन वर्ल्ड में फन तो करना बनता है ना, देख सकते हो। और इधर गुड़िया का भी मस्ती चालू हो गया है, और इधर हस्बैंड लोग आ रहे हैं, भैया लोग आ रहे हैं मतलब, और ये गरिमा ना बस टोशू को रुला ही दी थी, आते साथ उसको नहलाने के लिए वो रोना चालू कर दिया। और इधर सब कोई अब हम लोग मजे करेंगे फन वर्ल्ड में, देखो बाल्टी में पानी भर रहा है और उसका हम लोग वेट कर रहे हैं, वाह बहुत मज़ा आया हम लोगों को फन वर्ल्ड में, आप लोग ज़रूर आइएगा। और देखो हस्बैंड जी को सभी कोई मस्ती कर रहे हैं, पानी के साथ खेल रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं और इधर टोशू भी खेल रहे हैं, हम सब बहुत ही इंजॉय किए हैं फन वर्ल्ड में। और गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में फन वर्ल्ड वाटर पार्क में ही गए तो फिर क्या यार, फैमिली के साथ जाओ बहुत ही मज़ा आता है। और इधर देखो दोनों को प्यार करी पर वो उसको पसंद नहीं आया तो उसको तो धक्का दे दी वैसे ही बच्चे लोगों का चलता है। इधर इसको देखो मेरे हस्बैंड को फन, और अब लग गया टोशू को भूख, तो उसको बहुत टाइम से दूध नहीं पिलाई थी तो इसलिए मैं उसको दूध पिला रही हूँ, और इनका मस्ती देखो ये भी ना बहुत फनी है, आप लोगों को पता नहीं तो बता ही दूँ। और ये सारे लोग बैठे हैं पूरे फैमिली, और ये मंजली मामी है, दूल्हा राजा और उनकी बहन मामा जी, और इनको देखो
फिर से सभी के साथ इतना मज़ा आया ना, जितने ज़्यादा लोग होते उतना ज़्यादा मज़ा आया है सच में। और अब हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए यहाँ फिसलपट्टी में, जो भी कुछ बोलते होंगे मुझे नहीं मालूम। और इधर देखो सारे के सारे गिरे हैं आके, हम लोग फुल एंजॉय किए हैं। अब मेरी बारी, मैं आ रही हूँ ऊपर से, ये देख सकते हो यार, मुझे तैरना तो आता नहीं है, पानी में बुड़ गई आकर। कौन वर्ल्ड में ना इतना मज़ा आ रहा है सारे के सारे मिलकर। और इन लोगों का लाइन देखो, बच्चे और बड़े सारे मिलकर लाइन लग गए हैं और इसमें आ रहे हैं फिसलते हुए। देख सकते हो लाइन से पूरे, मैं नहीं आ पाई इसमें, इसके बाद ज़रूर आऊँगी मैं। और देखो ये लोग फिसल नहीं पा रहे हैं क्योंकि फिसल नहीं रहा था ढंग से तो, और ये लोग सब लाइन से उतर रहे हैं। और अब मैं आ रही हूँ, इतना मज़ा आया ना सबके साथ, इतना बहुत ही मज़ा आया। और आप लोगों के साथ शेयर कर रही तो और भी मज़ा आ रहा है देखने में वीडियो में। और देख सकते हो मंजू दीदी फिसल नहीं रही है, वो जबरदस्ती की तरह इधर पैर खींच के हम लोगों को गिरा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं इधर साइड वेव पूल में, और ये है लहरों का समुंदर। तो अब हम लोग आ गए हैं वेव पूल में और लहरों का आनंद लेने के लिए आ गए हैं। देख सकते हो हम लोग सब कोई साथ में बैठ गए हैं, बड़े बच्चे छोटे बड़े सारे लोग, और यहाँ पर मस्ती ही मस्ती कर रहे हैं, फुल ऑन मस्ती वाटर पार्क में। और देख सकते हो पूरे लोग खचाखच भरे हुए हैं, सबके सब उधर साइड का बंद हुआ तो यहाँ चालू हुआ तो यहाँ आ गए हैं। ये आधे घंटे के लिए चलता है तो यहाँ मज़ा लेने आ गए हैं। चंदरपुर का वाटर पार्क जो जो लोग आए हैं वो लोग तो जान ही जाएंगे, जो नहीं आए हैं वो लोग ज़रूर आना, यहाँ एक बार तो ज़रूर आना, तो बार बार आने का मन करेगा ही। और ये हम लोगों के लिए पास पड़ता है तो हम लोग यहाँ के वाटर पार्क में आ गए हैं। और देख सकते हो दूल्हा दुल्हन को भी मज़े कर रहे हैं, न्यू दुल्हन और पूरी फैमिली उनके साथ, और मुझे देख सकते हो मैं तो फुल मज़ा कर रही हूँ। अब उसके बाद हम लोग आ गए हैं डांस करने के लिए, यहाँ पर है डिस्को वाटर पार्क जो भी नहीं पता नाम, मतलब यहाँ पर झरने वरने और डांस गाना वगैरह है। तो यहाँ डांस करने के लिए हम लोग आ गए हैं, दोस्तों का डांस भी चालू हो गया है और मेरे ननन लोग का भी, मौसी जी और मेरा भी डांस चालू हो गया है। यहाँ जगदम्बा फन वर्ल्ड में बहुत ही सारा, बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे स्लाइडिंग वगैरह वाले, और मतलब बहुत ही सारे है जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा ही रही हूँ, बाकी सारे जगह को घुमा ही रही हूँ। और मस्ती मजाक चल रहा है और डांस भी चल रहा है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हम लोग गुड़िया और मैं डांस कर रहे हैं, पीछे वाली रेड वाली जो लेडी है वो, उनका डांस देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। हम लोग बहुत देर टाइम से उन्हीं का ही डांस देख रहे थे, उसके बाद भी उसके हम लोग भी डांस करना स्टार्ट किए हैं। देख सकते हो किस तरह से वो नाच रही है। खैर देखो हम लोगों का फन वर्ल्ड का मस्ती। मेरे मामा ससुर जी के फैमिली में जो अभी शादी हुआ, मैं उनका कोई भी वीडियो ब्लॉग वगैरह नहीं बनाई हूँ, पर उनके साथ ये लास्ट मौका पीला जिसमें वाटर पार्क आए हैं तो उसका मौका मैं क्यों गंवाऊँ, इसलिए आज का मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और ये देखो कबल डांस, ये दीदी भैया और ये हम दोनों कबल डांस कर रहे हैं। मज़ा तो बहुत आया, इतना ठंडा ठंडा पानी में डांस करने में भी बहुत मज़ा आया। और आप लोग ज़रूर आइएगा और फन वर्ल्ड का आनंद लीजिएगा। अब हम लोग जाएंगे सबसे बड़ा स्लाइडिंग वाला बर्ड पे, और ये जो सुन है मेरी फैमिली, छोटी सी प्यारी सी फैमिली, और ये मेरा छोटा सा बच्चा। आ गए हम लोग बड़ा वाला स्लाइडिंग में, ये है बड़े भैया और मामा जी दोनों पहले आ गए, अब मैं आ रही हूँ ऊपर से, गुड़िया और मैं और मेरी ननंद तीनों आ रहे हैं साथ में। देख सकते हो इसमें इतना मज़ा आता है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, पर मैं ज़्यादा नहीं गई क्योंकि थक गई थी, थकान सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा सा थकान लग रहा था, पर यहाँ से आने में मज़ा आ रहा था तो मैं सिर्फ दो बार ही गई हूँ। और अब फिर हम लोग आ रहे हैं, गुड़िया मैं और मेरे हस्बैंड,
वो उनको तो बहुत बोली तब जाके एक बार आया, और वो बहुत डरते हैं ना, इसलिए बहुत मुश्किल से एक बार गए और हो गया उनका। उसके बाद आ गई है खुशबू दीदी और उनके हस्बैंड, और फिर से चंचला आ गई तीन बार से। सब लोग बारी बारी से गए हैं और अब हम लोग थक गए तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए फिर से वही पानी पर आ गए हैं खेलने के लिए, टोसू को खिलाने के लिए। टोसू बस यहीं पर अच्छे से खेल रहा है, बाकी जगह तो रो रहा था, उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो वापस से हम लोग वही जगह पे आ गए हैं मजे करने के लिए, और टोसू को देखो वो भी इंजॉय कर रहा है वाटर पार्क का, फन वर्ल्ड का मजा मस्ती, बहुत ही मज़ा आया। देख सकते हो भी है पानी पानी, और टोसू का भी देखो मस्ती पानी के साथ खेल रहा है। अब हम लोग सब कोई आ गए हैं, धीरे धीरे सारे लोग आए जा रहे हैं, दीदी लोग भी आ गए हैं, और बाकी लोग भी आ जाएंगे, पूरी फैमिली यहाँ पर फिर से इकट्ठा हो जाएंगे और फिर मज़े करेंगे। देख सकते हो इन लोगों को अभी भी चल ही रहा है। सभी लोग, कुछ लोग उधर कुछ लोग उधर, सब लोग मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, धीरे धीरे सारे लोग भी आ जाएंगे, और देख सकते हो आ गए बच्चे लोग और इन लोगों को देखो, दीदी को देख। सभी बच्चे लोग मिलकर रौनक को खिला रहे हैं, आगे तो सभी मस्ती कर रहे हैं। गाना चल रहा है तो सब लोग मस्ती भी कर रहे हैं गाने के साथ, डांस वांस और फन कर रहे हैं, और सभी कोई का मस्ती चालू ही है। जब से आए हैं तब से फुल ऑन मस्ती, और ये रहे हम लोग बाल्टी के पानी का वेट कर रहे हैं जो आ गया, बहुत ही मज़ा आया सबके साथ। और ये रिटर्न जा रहा है, बाल्टी में वापस भरा गया। बहुत ही मज़ा किया, अब हम लोग फिर से ये चालू हो गया तो हम लोग फिर से यहाँ पर आ गए हैं। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जगदम्बा फन वर्ल्ड, और ये हम लोग फैमिली 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 पूरी फैमिली, बहुत ही मस्ती मज़ा मज़ा बहुत मज़ा आया बहुत ही ज़्यादा। चंद्रपुर का फेमस वाटर पार्क मैं एक बार और आई थी, और ये है मेरा दूसरा बार। शादी से पहले आई थी मैं एक बार, और अब शादी के बाद अभी आई हूँ, और बहुत ही मज़ा आया मुझे सबके साथ आने में, और सबके साथ बहुत ही मज़ा आया। तो अब हम लोग ड्रेसेस चेंज कर लिए हैं, अब हम लोग चलते हैं, बाय बाय। सभी कोई बाय कर रहे हैं, ये नई दुल्हन है, ये उनकी ननन है, और ये चंचला है मेरी ननन, और ये सबसे बड़ी बहू है मामा घर की, और ये दूल्हे राजा हैं, खुशबू दीदी है, मौसी जी है, और ये मंजली मामी है, ये छोटी मामी है, और ये भैया हैं, और ये हर्ष, और ये दीदी, और ये उनके हस्बैंड। अब हम लोग नहा लिए हैं और चंद्रपुर आए हैं, तो मंदिर दर्शन नहीं किए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मंदिर दर्शन ज़रूर करते हैं। जो भी वाटर पार्क आता है तो वो मंदिर दर्शन ज़रूर करने जाता है, तो चंद्रहासिनी देवी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। शाम भी हो चुका है तो जल्दी जल्दी चलते हैं, जिससे कि देख सकते हो अगल बगल दुकान ही दुकान है, और ये सीढ़ी चढ़ने के लिए आ गए हम लोग। सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर में ऊपर में माता जी का मंदिर है, जो कि उस यहाँ का स्टोरी मैं पिछले ब्लॉग में बताई हूँ, तो आप लोग वो ब्लॉग देख सकते हो चंद्रपुर की स्टोरी, और पूरा दर्शन कर सकते हो। और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा वाटर पार्क में, तो टोसू को गोदी करके सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी, इसलिए मैं टोसू को खुद से सीढ़ी चढ़ने के लिए छोड़ दी, पैदल चल रहे हैं दोनों को ही। और बाकी सब लोग चढ़ गए हैं, हम लोग छूट गए हैं पीछे में, और मैं लास्ट में जा रही हूँ दर्शन के लिए, और माता जी का वीडियो फ़ोटो बनाना अलाउड नहीं है तो मैं नहीं बनाई। उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो सबके सब इकट्ठा होकर कुछ देख रहे थे, मैं जब देखने गई तो पता चला कि वो लोग एक फैमिली देख रहे हैं जिसमें दो नहीं तीन तीन बच्चे जुड़वा थे, फैमिली देखो बहुत ही सुंदर उनकी फैमिली।
और अब हम लोग सब कोई जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फन वर्ल्ड का फन हमारा आप लोगों के साथ शेयर करिए। तो अब हम लोग चलते हैं, बाय। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।